उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी प्रमुख डॉक्टर संजय निषाद के साथ धक्का मुक्की हुई है। इस दौरान उनके नाक पर चोट भी आई है। चोट लगने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां उनका प्राथमिक उपचार किया गया है। वहीं दूसरी ओर उनके दोनों बेटे धरने पर बैठे हुए हैं। दोनों ही आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। बता दें कि संत कबीर नगर में दो पक्षों के बीच हुई झड़प में मंत्री संजय निषाद को चोट लगी है। उनके साथ घटनास्थल पर धक्का मुक्की की गई है। हमलावरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। मंत्री डॉक्टर संजय निषाद के बेटे और विधायक प्रवीर निषाद धरना पर बैठ गए हैं। उनके साथ पार्टी के विधायक भी धरना पर बैठे हुए हैं, जो कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इस घटना पर आरएलडी की ओर से प्रतिक्रिया देते हुए रोहित अग्रवाल ने कहा, चुनाव में हर देख कर बौखलाए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता। जिला संत कबीर नगर में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद जी पर हमला हुआ है। मंत्री जी की नाक पर चोट भी आई है। सपा समर्थकों द्वारा किया गया यह हमला अत्यंत दुखद और घृणित के कार्य है।